पूर्वी लद्दाख में सीमा पर उकसाने वाले कार्रवाई करके चीन ने भारत के साथ संबंध खराब किए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कमजोरी को बताकर चीन के पूर्व सैन्य अधिकारी ने उनकी नीयत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने जिनपिंग की भारत विरोधी नीति का राज खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जानबूझकर तनाव पैदा किया है। चीन ने अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही भारत के साथ विवाद पैदा किया। चीन की इस चालबाजी को वहीं के एक नेता ने उजागर किया है। चीन के पूर्व वामपंथी नेता के बेटे ने शी जिनपिंग की भारत विरोधी नीति की जमकर आलोचना की है। सिटीजन पावर इनिशिएटिव के संस्थापक और चीन के पूर्व सैन्य अधिकारी जियानली यांग ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप को प्रभावी ढंग से संभाल पाने में विफल रहा चीन काफी हताश है। इसी के कारण अपने को मजबूत दिखाने के लिए चीन ने पूर्वी लद्दाख में सेना को उकसाने की कार्रवाई की। उन्होंने कहा, वर्ष 2018 में वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठकों के परिणाम दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हुए। दोनों देशों के बीच संबंध सुधर रहे थे, लेकिन चीन में कोरोना वायरस तेजी से फैल गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महामारी से निपटने में विफल रहे। दूसरी ओर चीन के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठने लगी। चीनी राष्ट्रपति ने अपने लोगों और दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से भटकाने के लिए भारत के साथ विवाद पैदा कर दिया। यही नहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी मजबूती का दिखावा भी करना था। ऐसे में भारत के साथ सीमा पर विवाद पैदा करके वे दूसरे देशों पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन शी जिनपिंग इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों का पूरा समर्थन मिला और चीन अलग थलग पड़ गया। बता दें कि इससे पहले भी जियानली यांग ने शी जिनपिंग के खिलाफ बोला था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मामले में भी उन्होंने शी जिनपिंग के झूठ का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि चीन अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस बात का डर है कि अगर चीनी सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा सामने आ गया तो वहां सैनिक विद्रोह हो सकते हैं। इसके कारण चीनी राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों की मौत के बारे में जानकारी नहीं दी। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार को भी गुप्त रखा गया। सैनिकों के परिवारों के ऊपर भी दबाव बनाया गया। चीन के पूर्व सैन्य अधिकारी जियानली यांग के इस खुलासे से एक बार फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग घिर गए हैं। चीन ने अपनी मजबूती का दिखावा करने और कोरोना वायरस की विफलता को छिपाने के लिए भारत के साथ विवाद पैदा किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत विरोधी नीति को उजागर करके पूर्व सैन्य अधिकारी ने हड़कंप मचा दिया है। अब चीन में भी शी जिनपिंग की नीतियों का विरोध शुरू होने वाला है। चीन की कंपनियों ने पहले ही जिनपिंग को अपने नुकसान के बारे में बता दिया है। अब जिनपिंग की भारत विरोधी नीति के कारणों का पता चलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।